बड़ा एक्शन। बात यह है कि काफी कंपनियों के बारे में इस तरह की खबरें चल रही कि अब ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए वो दवाएं बना रही है। बायोकॉन सिप्ला की हमने बात की, एक और स्टॉक है जिसका भी जिक्र चल रहा है, वो है गुफिक बायो। हम उसके भी कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से बात करके जानने की कि क्या वाकई में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए गुफिक बायो भी कुछ इस तरह की दवाएं बना रही है। बंसल जी भी इस स्पेस पर गहरी रिसर्च रखते हैं, पकड़ रखते हैं। बंसल जी जरा बताएं इसके बारे में। देखिए अनिल जी, ये जो अभी आपने अंबाला साराभाई वाली कंपनी अनिल जी, इसकी बिल्कुल आपने राइट टाइम पे कवर करा है। इसकी सब्सिडरी है जो ये चूरन, अनिल जी मसाला नहीं अनिल जी, जो आपने चूरन एक वर्ड निकाला था आपने और वीरेंद्र बंसल जी ने, चूरन बनाती है इट्स द अनिल जी ओनली कंपनी। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है इसकी डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ेगी। अभी अनिल जी कुछ समय पहले मेरे दो रिलेटिव्स इन यूएस दे डाइड ऑफ दिस ब्लैक फंगस। तो क्या है अभी तक डॉक्टर्स इतना ध्यान नहीं था अनिल जी, अब पूरा डॉक्टर्स का भी पूरा फोकस है ब्लैक फंगस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोविड रिलेटेड है, कोविड से पहले भी ब्लैक फंगस होता था बट कम होता था। तो अब इस पर एक काफी बड़ी अवेयरनेस आई है और जो कंपनी अभी अंबालाल साराभाई अनिल जी, ये तो एक रीरेटिंग का कैंडिडेट है। और जो उस दिन आपका शो भी था अनिल जी, उस शो को देखने के बाद अनिल जी मेरे कितने करीबी, इनफैक्ट कुणाल जी ने भी मतलब कि हॉस्पिटल में चेक करा एंड डॉक्टर्स भी अनिल जी ब्लैक फंगस का स्पेशल ध्यान रख रहे हैं। तो ये अंबालाल तो अनिल जी टेक्निकली भी ठीक है और फंडामेंटली तो आपने अनिल जी मोर देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन मोहनलाल सर से पूछे हैं। नहीं नहीं, कभी कभी किसी सब्जेक्ट की नॉलेज कम हो या ना हो तो ज्यादा अच्छा है कि वो हम बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि मोहल भाई जो उनके प्रमोटर हैं, उन्होंने आखिरी मिनट में हमारी रिक्वेस्ट को माना, तुरंत जुड़े भी और सारे सवालों के जवाब बड़ी शांति से दी। नहीं तो कई बार प्रमोटर ये भी सोचते अरे ये क्या सवाल इतने आसान वाले पूछे, लेकिन आसान सवालों से एक समझ बन जाती है। तो ये है, अच्छा एक ही बात लगे हाथ, गुफिक बायो इसके चार्ज पर भी एक बार राय दे दें बंसल जी, क्या इसके चार्ज में भी कोई दम है? अनिल जी इसके चार्ट पर भी दम है, क्लियरली स्टॉक रैली ले रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। तो जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन मार्केट्स में आती है, कभी किसी करेक्शन में 183 188 के लेवल्स देखने को मिले तब उस स्तरों पर लंबी अवधि का नजरिया बना के अनिल जी बाय करना चाहिए। और एक अनिल जी छोटा सा अपडेट है आपके लिए, ये ब्लैक फंगस के चक्कर में अनिल जी एक स्टॉक आपका जो आपने दिवाली वाले दिन रिकमेंड किया था उसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है, पकड़ पाए तो अनिल जी उसको देखिएगा। दिवाली वाला कौन सा, आदित्य बिरला कैपिटल टाइप का है कुछ है क्या ऐसा? नहीं अनिल जी आपने आईटीसी भी दिया था। हाँ आईटीसी तो उसको तो वो तो बना हुआ है, एक फूटे से निकल गया बाहर। ओ 210, चलिए आईटीसी के बारे में एक जानकारी मैं आप सब लोगों को दे दूं। अगर जो लोग चाहते हैं कि आईटीसी चले, आईटीसी अच्छा प्रदर्शन करे, जितने ज्यादा मीम्स, जितने ज्यादा जॉक्स, जितने ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेज और जितने ज्यादा ट्विटर आईटीसी के लिए आएंगे, उतना ज्यादा स्टॉक एक्शन में आएगा। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं कि आईटीसी चलता क्यों नहीं, तभी आईटीसी आपको एक्शन में आता दिखता है। देख लीजिए आपके सामने, कोई चिंता की बात नहीं। ये तो अक्षय तृतीया के दिन वाला गोल्ड है, जो कौन सा सिद्धार्थ जी गोल्ड बता के गए, एग्जैक्टली वैसा ही गोल्ड ये जो अक्षय तृतीया के दिन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आज आप फिर से मुझे पूछेंगे अक्षय तृतीया के लिए गोल्ड खरीदूं या आईटीसी, तो मेरी राय होगी कि आईटीसी खरीद कर रखें। या ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आपके लिए, एक बार फिर से गोल्ड और आईटीसी में से आईटीसी खरीदें, ये मेरी राय होगी आपके लिए। बंसल जी ठीक है ना ये? बिल्कुल अनिल जी ठीक रहा है। अनिल जी इतना डिविडेंड देता है, री रेटिंग का कैंडिडेट है, गिरते के साथ अनिल जी चाहे फूटे के साथ फंस बंधा हुआ हो भाग नहीं रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिरता नहीं है। ब्लड प्रेशर और शुगर तो गिरने पर ही बढ़ता है, धीरे धीरे चल रहा है और एक बार ये रेंज में से निकलेगा, 225-230 की रेंज से निकलेगा तो ये सारे जोक्स भी इस पर बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, और इस पे वागले साहब भी कुछ कहना चाहते हैं और सचिन जी भी, तो पहले वागले साहब के पास आता हूं। वागले साहब जी बताएं सर। अनिल जी मेरा पूरा समर्थन है बंसल जी को और आपको भी, क्योंकि आप भी पॉजिटिव है। और बहुत ही अच्छा चीज क्या है कि इसमें ट्रेड सेटअप बहुत बढ़िया बन रहा है, 210 के ऊपर अभी अभी निकला है, आपका 207 208 का स्टॉप लॉस होगा तो 2.5-3 रुपए की रिस्क होगी और सीधे 220 तक कुछ है नहीं, तो मतलब 218-220 का टारगेट शायद एक आध दो दिन लग सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज के आज आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में आपको
ढाई तीन साढ़े तीन रुपए के रेस का और उसके थ्री टाइम्स रिवॉर्ड 219-220 का 8-9 रुपए का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मेरे लिए आईटीसी एक क्लियर कट बाय है आज के लिए। दो से तीन दिन की बात कर रहे हैं, वाकई साहब गजे भी कर रहे हैं। यहाँ दो से तीन साल में स्टॉक खिला नहीं, लोग तब से इंतजार कर रहे हैं आपके बोलने के बाद। दो तीन दिन और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सचिन जी भी इस पर दे रहे हैं एक ऑप्शन कॉल, अगर आप फ्यूचर्स के बजाय